नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पर। हमने पढ़ा हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। पहले हमने मुगल साम्राज्य पढ़ा और मुगल साम्राज्य में हमने जो कल वाला वीडियो था उसमें अकबर पढ़ा, हेमू पढ़ा, दारा सिको पढ़ा, सतनामियों का विद्रोह पढ़ा और नेक्स्ट हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास हरियाणा के अंदर, तो है बंदा बहादुर बैरागी का विद्रोह। बंदा बहादुर बैरागी का विद्रोह जन्म कब हुआ था बंदा बहादुर बैरागी का, तो वो हुआ था 1670 में और कहाँ हुआ था, कश्मीर में। जो आज का टॉपिक है आपका वो है बंदा बहादुर बैरागी के बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, जो मोटी मोटी जानकारी है औरंगजेब उसके बारे में पढ़ना है, फिर अहिर राज्य के बारे में पढ़ना है, फिर नादिर शाह का अटैक होता है हरियाणा के ऊपर वो पढ़ना है, और धीरे धीरे मराठाओं के अधीन होते हुए हरियाणा किसके अधीन आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो बंदा बहादुर बैरागी का विद्रोह हरियाणा पर होता है। पहली बार तो इसका जो जन्म है कहाँ पर होता है, पहली बात जो जन्म है 1670 में कश्मीर में होता है। अगर आपसे पूछ ले बंदा बहादुर बैरागी का जन्म कब होता है, 1670 में कहाँ होता है, कश्मीर में। बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या रहेगा, लक्ष्मण सिंह। बंदा बहादुर बैरागी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या रहेगा, वो रहेगा लक्ष्मण सिंह। और इसकी जो पहली मुलाकात है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि दसवें या अंतिम गुरु थे, क्रमांक से दसवें थे और अंतिम गुरु थे सिखों के, तो उनसे कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में हुई थी। तो जो बंदा बहादुर बैरागी है इनकी मुलाकात गुरु गोविंद, यानी कि गुरु गोविंद क्या है, सिखों के अंतिम गुरु है और क्रमांक था इनका दसवां, तो इनसे मुलाकात कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। बंदा बहादुर बैरागी की अगर मुलाकात पूछ ले गुरु गोविंद से कब हुई थी, तो गुरु गोविंद सिंह से हुई थी, यानी कि नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। और जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के अंतिम गुरु थे, क्रमांक इनका दसवां था। इन्हीं के कहने पे, यानी कि गुरु गोविंद के कहने पे ही जो बंदा बहादुर बैरागी है उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के संन्यास ले लिया था। और नेक्स्ट है 1708 में गोविंद से मिलकर सिख हो गए थे, यानी कि जो इनकी जाति है वो जाति क्या थी, जाति से वैश्य थे, बट 1708 में किससे मिले, गोविंद से मिले, यानी कि सिखों के अंतिम गुरु, और इनसे मिलने के बाद जो ये क्या हो गए, सिख हो गए। बंदा बहादुर की सैनिक गतिविधियों का केंद्र क्या रहा है, यानी कि सैनिक केंद्र था जो गतिविधियों का वो था, यानी कि सेहरी खांडा कहाँ पे है, सोनीपत के निकट सेहरी खांडा जगह है, वहाँ उन्होंने क्या बनाया, बंदा बहादुर की सैनिक गतिविधियों का केंद्र रहा। राजधानी बनाया इसने लोहगढ़ को, लोहगढ़ कहाँ पे है, यमुनानगर में है। मृत्यु कब हुई थी, 1710 में हुई थी और सम्राट बहादुर शाह से हुई मुठभेड़ में। अगर बंदा बहादुर बैरागी की मृत्यु पूछ ले कब हुई थी, 1710 में सम्राट बहादुर शाह से मुठभेड़ के दौरान हुई थी, और ये सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि अंतिम जो मुगल शासक थे उनके टाइम में, उनके टाइम मुठभेड़ में क्या हुई थी, बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई थी। तो बंदा बहादुर का जन्म 1670 दोबारा से देख लेते हैं कश्मीर में हुआ था, बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह था, और महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से पहली मुलाकात हुई थी, जाति से वैश्य थे, और उसके बाद 1708 में गुरु गोविंद से मिलते हैं, इन्हीं के कहने पर मतलब घर छोड़ के संन्यास धारण कर लेते हैं, संन्यास अपना लेते हैं, और इन्हीं से मिलकर क्या हो गए थे, सिख हो गए थे। सैनिक गतिविधियों का केंद्र बनाया सोनीपत के निकट सेहरी खांडा को, और इनकी मृत्यु 1710 में बहादुर शाह के साथ मुठभेड़ में हो गई, और राजधानी बनाया था लोहागढ़ यमुनानगर को। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब यानी कि धर्मांध कट्टर विरोधी नीतियों के कारण हरियाणा के कई स्थानों पर विद्रोह हुए। अगर पूछ लिया जाए, यानी कि SSC के अंदर पूछा गया था 2017 में, तो सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी पूछ ले, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार पूछ ले, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति पूछ ले, तो किसके टाइम में थे, औरंगजेब के टाइम में थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1618 में दोहाद उज्जैन के निकट हुआ था, और इनको जिंदा पीर या अजगर सब कुछ निगलने वाला कहा जाता है। इनकी उपाधि मुजफ्फर या आलमगीर मानी जाती है, आलमगीर थी। तो संगीत पे रोक लगा दी थी, कब लगा दी थी, 1669 में संगीत पे पाबंदी लगा दी थी, और 1704 में गुरु गोविंद ने औरंगजेब के दरबार में पत्र भेजा था जिसे क्या कहा जाता है, जफरनामा। औरंगजेब के बारे में ये दो तीन बातें रहती थी तो इस कारण इसको कवर करना पड़ा यहाँ पे। इससे पहले औरंगजेब के बारे में आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। तो औरंगजेब यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी या सेनापति या मनसबदार थे। संगीत पे रोक लगाई इसने 1669 में, और 1704 में गुरु गोविंद ने औरंगजेब के दरबार में क्या भेजा था, एक पत्र भेजा था जिसको क्या कहा जाता है, जफरनामा कहा जाता है।
और इनकी मृत्यु कब हुई थी? अगर मृत्यु पूछ ले तो मृत्यु हुई थी 1707 में, 1707 में मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो मुगल सत्ता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, या फिर मान के चलो उत्तरोत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड आरंभ होता है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में अहिर साम्राज्य। अहिर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? नंदराम अहिर थे। और स्थापना कहाँ पे की थी इन्होंने? इन्होंने स्थापना की थी गढ़ बोलनी गांव में। जो संस्थापक है अहिर राज्य के वो कौन थे? वो थे नंदराम अहिर। और स्थापना कहाँ पे की थी? गढ़ बोलनी गांव में की थी। उपाधि शमशेर बहादुर की। और ये मुगल शासक थे, और मोहम्मद शाह मुगल शासक मोहम्मद शाह यानी कि जिसको रंगीला की उपाधि दी हुई थी, तो उसने क्या दिया था इसको? शमशेर की उपाधि दी थी। जो संस्थापक थे नंदराम अहिर अहिर साम्राज्य के, तो इनको शमशेर बहादुर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल शासक मोहम्मद शाह के द्वारा। और मोहम्मद शाह की उपाधि को क्या थी? मोहम्मद शाह की उपाधि थी रंगीला की। मोहम्मद शाह यानी कि अयासी भरा जीवन जीता था, इस कारण इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसके बाद राजा कौन बना? इसके बाद राजा बना बालकिशन, यानी कि नंदराम अहिर के बाद जो राजा बनता है उसका नाम क्या है? बालकिशन। और बालकिशन और नादिर शाह के बीच में क्या होता है? करनाल का युद्ध होता है। कब होता है? 1739 में। और जीत किसकी होती है? नादिर शाह की होती है। और हार किसकी होती है? बालकिशन की। तो अहिर राज्य की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन था? नंदराम अहिर। और कहाँ पे की थी? गढ़ बोलनी गांव में। और उनकी उपाधि क्या थी? शमशेर बहादुर। दी किसने थी? मुगल साम्राज्य का जो शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की उपाधि क्या थी? रंगीला। तो बालकिशन का विद्रोह किसके साथ होता है? नादिर शाह के साथ। और करनाल का युद्ध बोला जाता है कब हुआ था? 1739 में। और नादिर शाह की क्या होती थी? होती है जीत। तो अब पढ़ना है आपने नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह यानी कि एक ईरानी शासक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। और मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय यानी कि जो मोहम्मद शाह है रंगीला शासक कहा गया है, यही मोहम्मद शाह इसके टाइम में क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। और 20 मार्च 1739 अगर डेट पूछ ले दिल्ली पर अधिकार कब किया था, आक्रमण कब किया था, तो किया था 20 मार्च 1739 को। यह दिल्ली में रहा कितने दिन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी आने वाला एग्जाम के लिए बन सकता है। तो ये दिल्ली में रहा था टोटल 57 दिनों तक। जो आपका नादिर शाह है दिल्ली में टोटल 57 दिनों तक रहा था। मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1774 में मौत हो जाती है। वापस जाते समय जो कोहिनूर हीरा था, जो तख्ते ताऊस था यानी कि शाहजहाँ का तख्ते ताऊस, और जो पित्रादुरी शैली में बना था कोहिनूर हीरा, इन दोनों को कहाँ पर लेके गया था? ईरान पर ईरान में लेके गया था वापस जाते समय। और मुगल सत्ता बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी थी इसके आक्रमण के टाइम पे। तो नेक्स्ट है आपका मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का उदय मुगलों के बाद होता है, मुगलों के बाद इसका उदय होता है मराठा साम्राज्य का। और आलमगीर द्वितीय ने इन्हें कुरुक्षेत्र दिया। जो मुगल शासक है आलमगीर द्वितीय, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मराठाओं को कुरुक्षेत्र दिया, बट मराठा इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने क्या कर दिया? हरियाणा पे आक्रमण कर दिया। और हरियाणा किसके अधीन हो गया? पूरा हरियाणा यानी कि 1756 से 57 के बीच में मराठों के अधीन हो जाता है। जो आलमगीर है मुगल शासक है, उसने पहले तो इनको संतुष्ट करने के लिए, मराठाओं को संतुष्ट करने के लिए कुरुक्षेत्र दिया, बट जो कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र में मिलने से जो मराठा शासक है वो संतुष्ट नहीं हुए और हरियाणा पे इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और पूरा हरियाणा किसके अधीन हो जाता है? मराठों के अधीन। डेट क्या रहेगी? 1756 से 57 तक। और 1809 से 10 के बीच में क्या है? पूरा जो हरियाणा है आपको किसके अधीन आ जाएगा? अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। तो हरियाणा पर आक्रमण के बाद जो मराठा है वो पंजाब की तरफ कूच करते हैं। और पंजाब पे शासन किसका था उस टाइम पे? पंजाब में शासन था अहमद शाह अब्दाली का। जो मराठा है, मराठा कहाँ पे कूच करते हैं? पंजाब की साइड। और पंजाब पे अधिकार किसका था? अहमद शाह अब्दाली का था। तो जाहिर सी बात है दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक सी बात थी, तो दोनों में युद्ध होती है। जो अहमद शाह अब्दाली, एक बार इसकी उपाधि देख लेते हैं, उपाधि युग का मोती, युग का मोती। और दुर्रे दुरानी किसको कहा जाता है? ये अहमद शाह को कहा जाता है। तो आज के बाद अगर आपसे उपाधि पूछे अहमद शाह अब्दाली की पंजाब का शासक था, तो दुर्रे दुरानी और युग का मोती इसकी उपाधि है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है इसके टाइम में। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की सीधा डेट पूछ लेगा आपसे, कब होती है? 14 जून 1761। पहला युद्ध 26 में, दूसरा 56 में, तीसरा 61 में। और तीनों पानीपत के अंदर एक कालाम जगह है, वहाँ पे हुई है, जहाँ पे सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या है? पानीपत की थर्ड बैटल होती है 14 जून 1761 को।
अहमद शाह अब्दाली और मराठा सैनिक सदाशिव राव और सदाशिव भाव के बीच में, जो मराठा सैनिक है वो हारते हैं और अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है, जीत होती है। तो यहाँ से इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला कि जो मराठा है, मराठाओं की शक्ति का पतन हो जाता है। तो मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किसने किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया ने। जो मराठा है, मराठाओं की खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त करने का पुनः प्रयास किसने किया, महादजी सिंधिया ने। और महादजी सिंधिया की मृत्यु कब होती है, 1794 में, और फ़ायदा किसको होता है, अंग्रेज़ों को। 1794 में जो महादजी सिंधिया है, जिसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो 1794 में उनकी मौत हो जाती है। और इसका सीधा फायदा किसको जाता है, सीधा फायदा मिलता है अंग्रेज़ों को। तो अब क्या है, जॉर्ज थॉम्स के अधीन हरियाणा, जो जॉर्ज थॉम्स था कहाँ का शासक था, ये था शासक आयरलैंड का, और मद्रास पहुंचा था 1787 में, हांसी को राजधानी बनाता है और हरियाणा पे अधिकार करता है। और सरधना मेरठ की शासिका है, समरू बेगम, उसके यहाँ क्या करता है, उसकी सेना में भर्ती हो जाता है। तो जॉर्ज थॉम्स है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो निवासी आयरलैंड का था, 1780 में मद्रास पहुंचता है और 1787 में सरधना मेरठ शासिका समरू बेगम की सेना में भर्ती होता है और धीरे धीरे हरियाणा पे कब्जा कर लेता है। तो 1787 में क्या करता है, राजधानी बनाता है हांसी को, और हांसी को राजधानी बनाने के बाद सिक्का चलाया, सिक्का ए शाही, सिक्के का नाम क्या था, सिक्का ए शाही। तो सिक्का ए शाही नामक सिक्का किसने चलाया था, ये चलाया था आपका जॉर्ज थॉम्स ने। और उसके बाद 1803 में सुरजी अंजुन गांव की संधि होती है, और ये किस किस के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुरजी अंजुन गांव की संधि कब होती है, 1803 में होती है, और किस किस के बीच में होती है, अंग्रेजों और मराठा शासक दौलतराव सिंधिया, जो 1803 है उसमें क्या होती है, सुरजी अंजुन गांव की संधि होती है, और किसके बीच में, अंग्रेजों व मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया के बीच में। तो अब इस संधि के तहत जो हरियाणा है, हरियाणा पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और जब अंग्रेजों का अधिकार होता है तो उस टाइम दिल्ली का बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। उस टाइम दिल्ली का बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय था। सरजी अंजुन गांव की संधि कब होती है, तीन में, किस किस के बीच, अंग्रेजों, मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया, और हरियाणा पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का। और उस टाइम दिल्ली का बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो हमारी तरफ से जो आपका मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है, वो बिल्कुल पूरा होता है। और अब इसके बाद जो कल वाली वीडियो है, उसमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जो क्वेश्चन सीरीज़ है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की, उसको करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।